ये बच्चा दूंगा लेकिन जो प्राइवेट फोन दिखा दूंगा घर वाले को जाकर तुम्हारे पापा को मेरा बच्चा चाहिए मेरे को। तूने 3 सालों तक एक बच्ची को रख के और रेप किया है, यही धारा लगवाएंगे। हमारी फैमिली की बात है, हमारी जेब में जो मर्जी करो, हमारी जेब में तू कौन? प्यार से बात कर। क्यों बात करूं प्यार से? इज्जत संभाल भोसड़ी के। प्यार से बोल अलेक्जेंड्रा, चल दूर आके। चल ओ रेडी के उसी समय बताया जा रहा हूं। जय बाबा की दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों मैं संजना करौतिया, उनका नाम प्रकाश है और इनका नाम नैना है। पहले आप ये बताओ इतनी देर से रोए क्यों जा रहे हो आप? देखो परेशानी हर किसी की लाइफ में आती है, रोने से उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है। जानते हो रोते कायर लोग, मजबूत लोग जो होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग लोग, वो अपने परेशानी से लड़ते हैं। जैसा तुमने बताया इतना जब कुछ तुम झेल चुकी हो तो अब रोने से क्या होगा, आगे भी लड़ो। जो भी बात है ना एक बार बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे लाइफ। जो भी कुछ तुमने हमें बताया एक बार ऑन कैमरा सब कुछ बताओ। मैं एक लड़के से ना बहुत प्यार करती हूँ और हम लोग ना 3 साल से रिलेशन में हैं, और मतलब रिलेशन में और फिजिकल वगैरह सब कुछ है। तो अभी मतलब कि जैसे मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और वो मेरे को लेके भाग गया था और उन्होंने मेरे को अपने घर पर रख लिया जाकर, मतलब अलग रूम वगैरह लेकर रख लिया। और मेरे घर में किसी को भी नहीं पता कि मैं साथ में मतलब गई हूँ, मेरे घर में बस इतना पता है कि मैं पढ़ने गई हूँ। तो मम्मी पापा किसी को नहीं पता? नहीं, मेरी मम्मी को बस पता है थोड़ा बहुत, बट मैंने उनको क्लियर नहीं करा कुछ भी। तो उन्होंने पापा को बोला कि मैं पढ़ने गई हूँ, तो मैं मतलब ये भाग के आ गई थी मैं इनके साथ। तो अभी मतलब कि अभी मैं अलग रह रही हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम किसी लड़के से प्यार करती थी ना? हाँ जी। और उसके साथ तुम भाग के चले गए लेकिन घर वालों को पता है कि तुम पढ़ने गई हो, तो तुम भी तो गलती की थी ना। घर वाले प्यार मोहब्बत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, परिवार से ज़्यादा ज़रूरी प्यार मोहब्बत नहीं है। और नाम भी तुमने पढ़ाई का लिया है। हाँ जब तुम्हारे मम्मी को तो जैसे बता रहे हो थोड़ा बहुत पता था, तो पापा को भी तो बताना चाहिए था ना। जो इंसान तुमको यहाँ से यहाँ किया तुम्हारे बारे में गलत सोचेगा। आगे क्या हुआ? तो उस लड़के के घर में ही रह रही थी, मतलब अलग रूम लेके रह रहे थे हम। तो मैं मतलब प्रेग्नेंट थी, तो प्रेग्नेंट भी हो चुकी है मतलब। हाँ जी। तो उसने यूँ बोला कि मैं शादी कर लूँगा तुमसे। उसके घर वाले मुझे बोलने लगे शादी कर लूँगा, मगर उन लोगों ने ना मेरे को मतलब शादी भी नहीं की और मेरे को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे अब, और मेरे को धोखा देखो भी दे। इतनी छोटी तो तुम हो नहीं जो तुम्हें पता नहीं था। तुम्हारा तो जो जैसे तुम बोल रहे थे तुमने पेट से थी, तो तुम्हारा बच्चा उच्चा हुआ कि वो भी नुकसान हो गया? नहीं, उन्होंने बोला था, मेरी मम्मी बोल रही थी कि गिरा दे इसको। मैंने कहा नहीं, मैं जन्म दूंगी इस बच्चे को। तो कहाँ है बच्चा तुम्हारा? मेरा बच्चा हो चुका है लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इनका बड़ा भाई है। बच्चा कहाँ है तुम्हारा, वही ना पूछ। इनका बड़ा भाई है, उसने ले लिया। इनके मम्मी पापा ने बोला कि इसके बड़े भाई के बच्चे नहीं हो रहे थे, तो आप उनको दे दो, ये हम तो मैं एक्सेप्ट कर लेंगे, शादी करा देंगे। मगर अब ना मेरी शादी करा रहे हैं, ना वो बच्चा दे रहे हैं, और ना मेरे को अलग। तो तुम भी तो पागल हो ना, बिना शादी के मतलब तुम उसके घर पे रह रही हो? उसी के घर पे थी ना? घर पे ही थी, रूम वाला। प्रेगनेंसी के टाइम भी तुम उसी के घर पे थी, तो तुम्हें इतना नहीं पता था कि मेरी शादी नहीं हुई है? इतनी छोटी बच्ची तो नहीं हो तुम, गलती खुद करते हो, बाद में रो लेते हो दूसरों के आगे। मैंने घर वालों को पता भी नहीं था, वो लोग कितना अच्छा तुम्हारे साथ ड्रामा किया है, लो चाल चलाया लो कि तुम्हारे से बच्चा लेके तुमने बच्चा का जन्म दिया, वो लोग उस बच्चे को ले लिया, उसके बाद तुम्ही को घर से साइड कर दिया, लो घर से निकाल दिया। तो ना तुम इधर की ना उधर की बीच की रह गई हो, ना मेरे को रख रहे हैं ना मेरी शादी करा रहे हैं। बच्चा क्यों नहीं दे रहे? उन्होंने अपने बड़े भाई को दे दिया कि उसके बच्चे नहीं हो रहे। मेरे को पहले ये कहा कि हम तुम्हें रख लेंगे, तुम बच्चा पैदा कर लो। अब जब बच्चा पैदा हो गया तो अभी उन्होंने अपने बड़े भाई को दे दिया कि उनके बेबी नहीं हो रहा था, तो तुम दे दो। अब मुझे एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, मुझे निकाल भी दिया घर से, और बच्चा भी नहीं। ऐसे लड़के का तुम करोगे भी क्या जो तुम्हें प्यार ही नहीं कर रहा है? छोड़ो फिर। जान रहे हो तुम वो केवल इस्तेमाल कर रहे हैं अपने शौक के लिए, तुमको इस्तेमाल कर रहा है तुम्हारा। जैसे उसको उसके घर वालों को एक बच्चा चाहिए था, जो उसकी भाभी तो बाझन होगी, वो तो बच्चा दे नहीं सकती होगी। तुम्हारा इस्तेमाल करके तुमसे बच्चे पैदा कराया सब, उसका उस बच्चों के लेकर तुमको घर से बाहर कर दिया। ये सब उस सब का चाल था। तो बात होता है कि नहीं उस लड़के से? तुम बात नहीं करता मुझसे, वो इग्नोर करता है। मुझे क्या पता था वो ऐसा करेगा मेरे। सुनो ना, एक बार उसके पास कॉल लगाओ, ट्राई करो कि एक बार लास्ट बार आके तुम बात कर लो, उसके बाद तुम बात करो या मत करो। एक बार लास्ट बात करोगे ना, कुछ हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि हम कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तभी हम कुछ कर पाएंगे। समझ रहे हो ना मेरा फीलिंग को? उसको सब कुछ बोलो कि मेरे को नहीं चाहिए बच्चा, मुझे तुम्हारा साथ भी नहीं चाहिए, बस एक बार मिल लो। मैंने उसका कुछ निगेटिव बात बोलो कि वो बोले कुछ तुम्हारे खिलाफ बोले, कि जो हम रिकॉर्ड कर पाए, तभी प्रूफ होगा।
समझ रहे हो ना तुम? हाँ जी। उसको बुलाने का जो भी तरीका है उसे आजमाओ, पैसे से या किसी भी चीज से बुलाओ उसको। लेकिन तब तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं, कैमरे बंद कर रहे हैं, लेकिन उसको बुलाने की कोशिश करो। अगर आज आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो कल भी हम लोग इंतजार करेंगे। ठीक है, बंद करो हम लोग, बंद करो कैमरा, कॉल अपना कराते रहेंगे। अगर आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कल उन्हीं के घर पे चला। ठीक है, बंद करो कैमरा, बंद करो भैया। A few moments later. मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। चल दूर होके बात कर, ठीक है? ऊपर आकर हमसे पहले ऊपर बैठो, चलो ऊपर बैठो, बैठो यार। बड़े आए चिपकने के लिए, अब प्यार दिखा रहे हो मेरे पे आके? पहले प्यार नहीं आया। तो मैं प्यार करती तो थी, तुमने ऐसा क्यों करा मेरे साथ? कोई जरूरत नहीं तुम्हारी, ठीक है? तुम्हारे घर वालों ने मेरे को धोखा दिया है कि तुम शादी करवा देंगे, ये सब तुमने, मैंने थोड़ी गलती की। जा अपना रास्ते जा, मेरे पल्ले क्यों पड़ रही है बता? क्यों तुमने अभी तक मेरे को अपने घर रखा? तो जो हमारे बीच पहले था वो सब खत्म हो चुका, और मेरे अंदर चिपकी हो, मैं ताकि अंदर अब समझा रहा हूँ प्यार से, ठीक है? अब तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते हूँ आज से, ना तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं आज से। क्यों तुम मुझे जानते हो ना, मैं तुम्हें जानता हूँ। क्यों रिश्ता नहीं है? तुमने बच्चा पैदा करवाया, तुम्हारा बच्चा है वो, और तुमने मेरे से बच्चा भी ले लिया। मैं गया भाड़ में, तुम भी गए भाड़ में। क्यों भाड़ में गया? मैंने अपना लाइफ दोबारा स्टार्ट किया, मैंने नई जीव बनाई, ठीक है? और मैं उनके साथ खुश हूँ, तुम जैसे साथ थे, तुम्हारा मुँह भी नहीं लगूं मैं अब तो। तुमने मेरे से धोखे से साइन करवाया तुम्हारे घर वाले ने, अब देखो तुम मेरा बच्चा वापस दे दो या तो फिर मेरे को डिवोर्स दे दो। मैं नहीं जानता तुम्हें ना तुम्हारे बच्चे को, ठीक है? क्यों नहीं जानते? बकवास करने के लिए बुलाया था मेरे को? मैंने बकवास करने के लिए नहीं बुलाया, कीमती बहुत, मैं समय बहुत। तुमने मेरे से साइन क्यों करवाया था? ये कह के तुम शादी करोगे, तुम्हारे घर वाले ने कहा तुम शादी करोगे, ठीक है? प्यार से बात करो, तुम पहले तो बहुत प्यार करते थे ना। मैं अब बच्चे के लिए था क्या? बच्चे के लिए था क्या? अब नहीं करता था। बच्चे के लिए था क्या? इसलिए मेरा यूज करा था तुमने। खत्म सब, शक्ल देखिए अपनी, पहले था ना, अब कुछ ही नहीं हमारे बीच, सब खत्म हो चुका है। मैं तो प्यार से समझा रहा हूँ, सब बात है और बात दिमाग में ठाल लो। तुम्हारे भाई के बच्चे इसलिए तुमने ऐसा करा मेरे साथ कि तुम्हारे भाई को बच्चा मिल जाएगा? मैं जानता ना बच्चा ना कुछ ना, मैं जानता, ठीक है? तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुम्हें? मुझे सब समझ में आ रहा है, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा? तुम मेरे साथ जब रिलेशन में थे तो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो भाई? रिलेशन आपको, उसको खत्म करो, ठीक है? हमारे बीच टाइम पास था क्या? तुमने मुझे पैसे देने के लिए बुलाया था ना? हाँ तो मैंने बात करने के लिए बुलाया, तुम पैसे भी आ गए मेरे पास, शक्ल ही मत दिखाइयो मेरे को आइंदा दोबारा यहाँ पे। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए, मेरा बच्चा वापस। मैं नहीं जानता तुम्हारे बच्चे को, बोला तुम्हें जानता हूँ मैं, प्यार से बात समझा रहा हूँ ना तुम्हें। शुरू में भी बोला, अभी बोला ना, तुम्हें जानता ना तुम्हारे बच्चे को जानता हूँ, ठीक है? खत्म से हमारे बीच जो भी था, तुम्हारे घर वालों ने साइन करवाए हैं। हाथ मत पकड़ मेरा, हाथ क्यों नहीं पकड़ो? हाथ मत पकड़, क्यों नहीं? मार के मुंह तोड़ दूंगा तेरे, एक में भी है पे। कैसे मार दोगे तुम? प्यार से बात कर ले, ठीक है? मेरा बच्चा वापसी कर दो तुम, बस मेरा बच्चा वापसी कर दो, मैंने बोला ना। मैं मुंह भी ना लगाऊं, और प्यार से मैंने बहुत बात कर, दूर से बात कर, मेरे से दूर से, ठीक है? बहुत बकचोदी सुन ली तुम्हारी यहाँ पे, और मेरे ये फालतू बकचोदी के लिए करने के लिए बुलाया तुमने, तुम जैसे क्यों नहीं, ठीक है? तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा तुम्हें, और मेरे से दूर से बात करो, दूर से। मैं दूर से बात करो, बच्चा बच्चा कर रहे हो ना, बच्चा दे दूंगा, लेकिन सारी सारी बातें ना सारी तुम्हारे घर वालों को बताऊंगा, जो तुम्हारी चारे बहन है उनको सबको बताऊंगा वाली बातें। क्यों मेरे घर वालों को कोई जरूरत नहीं बताने की, ठीक है? तुमने मेरे साथ गलत किया, मैंने गलत नहीं किया। घर वालों को बात करो, तुम मुझे भगा के लाए थे, मैं भाग के नहीं आई थी। दूर चल, क्यों जाओ दूर? मेरा बच्चा चाहिए मेरे को, फिर मैं से दूर से बात कर, मेरे से प्यार से, दूर से बात कर ले मेरे से, अभी भी बोलो लाखों बार बोलो, मैं दूर से बात कर मेरे से, मुझे मेरा बच्चा। अरे बच्चा दे दूंगा, लेकिन यही वाली बात है, मेरा बच्चा था, मेरा बच्चा। तुम्हारे घर पे जाऊंगा, तुम्हारी चारों बहनों को बताऊंगा गिन गिन के, ठीक है? ऐसे बेप्यारी प्यारी बातें जो तुम्हें करा है सब बता दूंगा जाके। बच्चा तुमने साइन करवाया, मैं भी दिखा सकती हूँ फिर। हाँ। दिखा दे मेरा क्या था, दिखा दे मेरा क्या होगा? देखो तुम प्यार से बोल, प्यार से दूर से बात कर, गुल छर्रे बनाए ना यूं सारे चिपक के, जो फोटो ले सब दिखा, प्यार से बोल रही हूँ। फोटो ये सारी फोटो भेजूंगा तुम्हारे बाप को दिखाने के लिए, जो प्राइवेट फोटो पड़ी मेरे पास, सुबह समझ नहीं आ रही ना उस टाइम से। तुम ऐसा ना दूर से बात कर, चल पहले दूर हो, चल दूर से बात कर, आप बोल जो बोलना, हमने परेशानी बोले बता क्या है, बोल। यार तुम ठीक से नहीं रह सकते क्या? तुम बोले जा रहे हो। अरे दूर हट मेरे से भाई, दूर हट, दूर से बात कर मेरे से। अब तुम जैसे बोले बस टाइम नहीं है, बकचोदी कर रहे हो समय आ गया। तुम मेरे को मेरा बच्चा वापस कर दो, मेरे को तुमसे कुछ नहीं चाहिए फिर। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं ना, अब बैठ बैठ, पहले बैठ, बात दूर से बात कर, अब बता। तुम धक्का क्यों दे रहे हो इतना मेरे को, ये बता दो पहले, ढंग से बात नहीं कर सकते? तुम तो मैं तुम्हें तो बताऊँ तुमने क्या नहीं करा। बच्चा चाहिए, बच्चा दूंगा, लेकिन जो प्राइवेट फोटो दिखा दूँ घर वाले को जाकर, तुम्हारे पापा को दिखा दूँ सारी फोटो, दिखा दूँ? जब जब मेरे साथ रिलेशन में तो जब क्यों नहीं दिखाया किसी को? अबे जा, तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बात? मुझे सब समझ में आ रही है, मैं बस इतना चाहती हूं तुम मेरा बच्चा दे दो, या बस मेरे को छोड़ दो। बच्चा दे दूंगा, ये सारी बातें बता दूंगा, फोटोज सब दिखा दूंगा, ठीक है? क्या कर रहे हो? दो मिनट क्या कर रहे हो?
क्या हुआ है, पर्सनल बात है अपना। यहाँ पे धक्का इसको क्यों दे रहे हो तुम? ना काम कर चल, पर्सनल बात कर जाके, हमारी बात है ना, हमारे बीच में इंटरफेयर क्यों कर रहा है, कर चल निकल यहाँ से। क्या कर रहा था सही बताएगा ओए, बता ना प्यार से, तू कौन है, मैं तो क्यों बताऊंगा, ना बता, नहीं बता दो, निकल यहाँ से, चल यहाँ से, साइड हो यहाँ से, निकल यहाँ से, यूँ निकल ले, क्यों निकल लूँ सड़क के, सीधा बैठ जा, कान पे कान खुला दूंगा मैं दो मिनट में, बता रहा हूँ कौन है, एक मजबूर लड़की पे तो धक्का दे रहा है। मेरा प्यार का मतलब जो मजे, तू कौन है, अनोन बंदा है, चल निकल ऐसे, प्यार प्यार है, प्यार है तो कैसे जमीन पे घसीट के मारेगा, समझ लिया, चल ऐसे निकल, चल दूर ऐसे, चल शक्ल है ना तेरा, क्या करेगा बोल आज छोड़ यार से बात कर, आज छोड़ चल, बता बता पहले तू बता है क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, तू यही बता ना, ओए तू अभी ये कौन आ गया, तेरा बाप भोसड़ी के, समझ में नहीं आ रहा है इज्जत से, बता बता, माने तुम्हारे रखेल है, रखेल बना के रखे हो ना, तू कौन है भाई, अब ये कौन है, क्या बाप को प्राइवेट फोटो सेंड करेगा, ये क्या है, क्या है बताएगी तू, क्या है प्राइवेट फोटो सेंड करेगा, कर ना, माने तू कौन है, हमारी फैमिली की बात है, हमारी जेब में जो मर्जी करो, ड्रामा कर रखा है, लड़की खिलौने समझ रखा है, चारों आगे में से हकीकत है ना, अब सामने आ चुका है, तू पता है तू क्या कर रहा है, जो मर्जी कर ले, ओए हट भोसड़ी, क्या जाने हाथ में पावर है तो फाड़ के रख दूंगा साले, तेरा गांड फाड़ देगा भोसड़ी, तूने एक लड़की के साथ क्या किया, प्यार का झांसा दिया, हाँ मेरी बहन है भोसड़ी के, क्या करेगा, हाँ बताना, लाल लग रही है, बोल ना, बोल बोल बोल, मेरी बहन है, बोल ना, कुछ बोलेगा, साला हिजड़ा है तू, हिजड़ा लड़की के इस्तेमाल कर रहा है, तेरी भाभ, तेरी जो भाभी है ना वो बाजन है, उनके बस की बात नहीं है बच्चा होना, बच्चा पैदा करता है, तीन साल से रिलेशनशिप में रह रहा है, जब उसको बच्चा हो जाता है तो उसको निकाल देता है घर से, तो भाई वो घर का नौकर बना रखा है, फैमिली मैटर है, तो फैमिली मैटर तो पूछ क्यों आई है, बता फैमिली मैटर बाहर क्यों लेकर आया, फिर घर में जाके बात करता ना, घर में तो उसे घुसने नहीं दे रहा है, बात सुनो तुम लोग हो कौन भाई, ये बताओ पहले, मैं हमारी भी, तू अभी क्या बोला है, तू इसको जानता है, वो बहन वो भी भाई है, क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया, अब बात बता तेरे को क्या बताना, बता तुम्हारे नजर में सही कर रहे हैं, तुम्हारे बहन भाई है, ये करने के लिए बुलाया थी मेरे को, इसके शक्ल पे चली गई नहीं, हैं? ये सुंदर है, इसका स्मार्टनेस है, इस उसी से तू बहल गई ना, हैं? अरे कुछ तुम्हारे माँ बाप गाली कराते क्यों नहीं कराते, नाले पहले गलती करते हो और जब फंस जाते हो तो दूसरे से हेल्प मांगने जाओ, ऐसे करो वैसे करो, अरे तो फोन करना, तेरे भी तो दोस्त होंगे, सुन सुन तू बोल रहा है हम लोग तीन हो, तू अपने ईमान से पूछ, तू भी एक माँ का बेटा है ना, तुम्हारी अपने माँ की कसम, तू एक बात बता, तूने अभी तक जो इस लड़की के साथ किए हो सही किए हो, बहू हमारी भाई, हम जो भी हमारे, अरे बस अपने बारे में तब तक फट गया ना, अपना तो गांड फट गया जब अपने पाया, तो आज तक भी अपनी माँ के साथ रह रहा है ना, एक माँ को अपने बच्चे से दूर करके कैसे सोच रहा है, इधर ही होगी वो, लेकिन इसने जो कर रहा वो सही कर, क्या करा इसने, चल तू बता दे, किसी की नहीं सुन रहे, सुन आज तक कुछ नहीं किए, तुम्हारे भले के लिए हमेशा सोची है, जब तुम जो कहे हो तब किए हो, आज तक अपने परिवार वाले को नहीं पता क्यों बच्चा दे, भाई इतना ये बात सुना, इतना तुम क्यों बोल रहे हो, मैं हमारी हम सुलझा लेंगे बात में, जो भी बात है, अगर सुलझाते ना तो नहीं आती हमारे पास, कौन है समझ रहे हो ना, यहां पे गलती तो इसने सबसे बड़ी ये की है ना कि तुमसे प्यार कर लिया, तुम्हारा मूवी बना रहे हैं ना सोशल मीडिया पर डालेंगे, सोशल मीडिया पर तुम्हारे लिए लोग रामायण लिख के भेजेगा, बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, एक बार कमेंट निकाल के उसका पढ़ लेना, मतलब ये करने के लिए अपनी बेइज्जती करवाने के लिए बोला ये, पता है वीडियो किस लिए बना रहे हैं, एक सेकंड भाई तू ही बता, तुम दोनों आदमी टॉक करो अपने, अगर वो गलत होगी ना तो तुम हम अभी चले जाएंगे यहाँ से, वो गलत है किसी एंगल से, वो गलत है तुम्हारे, तो वो कैमरा क्यों लगवा रखा, ये बात पर बंद हो गया ना कैमरा बंद, तू सच्चाई बताएगा, इसलिए फिर कोई लड़की तेरे झांसे में नहीं आए, ठीक है इसलिए इस वीडियो को भी सोशल मीडिया पर डालेंगे, हमारे शक्ल पे नहीं जाएगा, एक बात बोल ले, बाजन तेरी भाभी थी, तेरी बीवी नहीं जो होने वाली थी,
अपने बीबी का इस्तेमाल किया, जब उससे बच्चा हो गया तो उसी को तू लात मार के घर से बाहर निकल रहा है। कहाँ की रहेगी वो यार, उसके घर वाले नहीं पूछेंगे, समाज के लोग उस पे थू-थू करेंगे यार। मैं अपनी लाइफ खराब कर लूंगा। तू अपना लाइफ खराब नहीं करेगा, उसका लाइफ तू बर्बाद कर दिया ना। तो मैं अपनी लाइफ खराब कर लूं इसके चक्कर में, इंजस्ट हो गई। अब कोई लड़की प्यार करेगी भी नहीं तुमसे, चिंता मत करो। जब डल जाएगा ना वीडियो, कुत्ता तुम्हारे ऊपर मूत के भी नहीं जाएगा। पता है इंसान तो इंसान, यौन शोषण के केस में तुम्हें अभी अंदर करवाएंगे। तूने 3 सालों तक एक बच्ची को रख के और रेप किया है, यही धारा लगवाएंगे। लाले तुम्हें जिंदगी में कभी बाहर नहीं आने देंगे। तू क्या सोच रहा है पागल? तो ये है ना जो केस नहीं कर रही थी, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जब तड़पेगे ना तब तुम्हें पता लगेगा, पीटेगा तुम और दर्द उन्हें होगा ना तब तुझे पता चलेगा कि कैसा होता है। भैया रुको भैया, एक एक बात, तू तू खाली सुन रही है, तू बता हम लोग क्या करें इसके साथ। इसने मेरे साथ तो बहुत गलत करा, और इसके घर वालों ने मेरे से साइन भी करवाए थे कि अगर तूने किसी को कुछ बताया तो हम तेरे घर वालों को बता देंगे। और ये भी मेरे को इससे पहले ना तुम्हें खुद बता देना चाहिए अपने घर वालों को, किसी और के मुंह से पता चले तो उससे सही है। तू अभी भी डर रही है घर वालों को बताने से, तू बता अपने घर वालों से, तू भी अपने घर वालों से बता। तेरे घर वालों से हम लोग बात करेंगे। हम लोग का यूट्यूब एक चैनल चलता है, प्रकाश बाद एंटरटेनमेंट, हम लोग एक सारा हम लोग का टीम है, टीम वर्क करते हैं, तेरे जैसे लोगों को सुधारते हैं हम लोग। ये कटवा देने के लिए आप बुलाए थे फालतू बकवास करने के लिए। भाई तुमने मेरे साथ करा बहुत अच्छा करा, हम लोग इसको डिलीट कर देंगे यार। तू ही बता सुशांत, तू भाई सही किया है यार, तुमसे इंसानियत के नाते पूछना है। हम कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं है, कोई वजूद नहीं है, तुम्हारे एक छोटा भाई है यार। भाई मेरी बात सुनो, मैं इसके चक्कर में जिंदगी में खराब कर लूँ तो मेरी इतनी अच्छी खासी जिंदगी चल रही है यार। एक कहाँ किस एंगल से, तो तुम जो 3 साल से इस लड़की के साथ वो जस्ट फन था और कुछ नहीं था। फन के चक्कर में लड़की का लाइफ, तुमने लाइफ बर्बाद कर दी उस लड़की की। तुम दोनों को शादी करना होगा भाई, इससे अच्छा कोई सुझाव नहीं हो सकता, उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। मेरे करियर क्या होगा, तुम्हें इनकी पड़ी, मेरी नहीं पड़ी भाई, मेरी नहीं पड़ी तुम्हारी। बात से मानेगा कि लात से मारेगा? बात से प्यार से मान जाएगा कि और लगाऊं मैं तुझे? हम लोग सोच रहे हैं तेरे को अपनी जिंदगी देख रहा है, इसका जिंदगी देख रहा है। कुछ लोग सही में लात का ही देवता होता है, बात से समझ में नहीं आता है तो तू लात का देवता है, तू लात से ही समझे। क्या जिंदगी खराब होगी और तुम्हारी इस लड़की से शादी करके, बता सकते हो? हूर की परी उतरेगी क्या तुम्हारे लिए? इतना सुंदर हो क्या तुम? आलिया भट्ट की बहन आएगी इससे शादी करने के लिए ना? ये भाई जरूर आएगी, आएगी तुम्हारे लिए स्पेशल, पैदा ले रही हो इज्जत से बात करे तुमसे, इज्जत वाले होगा तुम भी। ये बेइज्जती करवा रही है, मान लेगा ये बता दे कि मतलब ये बोल इनको नहीं जानते ना, इनको ना इनको जानते, बकड़ बकड़ करे जा रहे हो तू, बोल तू चुप बैठी इनके सामने। अगर तुम लोगों का मैटर शॉर्ट आउट हो जाता ना तो हमें आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बकवास करवा रही है मेरे सामने, बता कोई नहीं यार, तो इसलिए बेइज्जती करवा रही थी। मैंने भाई मैं अपनी बात सुनो, मैं अपना बता जो अपने इतना कुछ बताया, मैंने अपनी गलती सब मान रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ वो भी किसी जिंदगी नहीं खराब करना चाहिए। मैं तो शादी भी करूँगा, मतलब शादी करूँगा, आप साथ रहेंगे दोनों, आई रियली प्रॉमिस भाई, कोई ड्रामा नहीं ना भाई, भाई सच में कसम से नहीं करूँगा कुछ भाई। पता है उसकी छोटी छोटी बहनें भी हैं। देख भाई, भाई मैं एक बात बताएं, हम अगर तुम कोई ड्रामा कर रहे होगे तो यहाँ सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, अपने घर वालों से आप बात रमेश को ले जा रहे हैं, जल्द से जल्दी आप दोनों शादी कर लो, ज़्यादा तुम दोनों के लिए बेहतर होगा भाई, समझ ठीक है ना? ले चलो उसको अपने साथ, भैया अभी छोड़ो, अपने परिवार से बात करो, उसके बाद उससे शादी करो, उसको ले चलो, ले चलो चलो चलो।